हे गाइस, वेलकम बैक टू सीई। सो इस वीडियो में हम एक डिजिटल क्लॉक के बारे में बात करने वाले हैं। हमने 7 सेगमेंट डिस्प्लेस का यूज़ करके एक आर्डिनो बेस्ड डिजिटल क्लॉक बनाई है। तो इस वीडियो में हम इस डिजिटल क्लॉक के बारे में बात करेंगे और इसके पीछे की प्रोग्रामिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, इस डिजिटल क्लॉक को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक नैनो, 4 7 सेगमेंट डिस्प्लेस, 4 रजिस्टर्स, 220 ओम के अगर आप 5 वोल्ट पे काम कर रहे हैं, और ताकि हमारी जो एलईडी को करंट जाए वो 20 मिली एम जाए, और 3 पुश बटन्स आर मिनट और सेकंड्स को सेट और रिसेट करने के लिए। ओके सो और एक पीसीबी बोर्ड, और जितने भी ये सब जो आइटम है इनका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन से, और आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इसका प्रोग्राम, जो मैं आपको कमेंट सेक्शन पे दे दूंगा, वहाँ से जाके आप सीधा कॉपी करके इसे नैनो पे अपलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, इसकी थोड़ी सी वर्किंग बता देता हूँ, फिर चलेंगे प्रोग्राम में। तो वर्किंग के लिए सबसे पहले हमारे पास जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो कुछ इस टाइप की होती है। इसमें 7 सेगमेंट्स रहते हैं, ए से लेकर जी तक, उन्हें हम ABCD ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो कुछ इस टाइप की है। इसमें भी 7 सेगमेंट्स है और एक डॉट है। इसमें 5 पिन ऊपर से दी गई है, 5 पिन नीचे से दी गई है, और इस पे जो इसका डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का है, कॉमन एनोड टाइप है। तो इसमें जो सेंटर वाली पिन है दोनों साइड से वो कॉमन एनोड है, यानी कि जो 7 सेगमेंट जो 7 LEDs लगी है उनका पॉजिटिव टर्मिनल हमने इस हमें सेंटर वाली पिन से दिया गया है। तो सपोज़ अगर हमें 0 शो कराना है तो हम इस सेंटर वाली पिन पे प्लस VCC सप्लाई देंगे, और बाकी G को छोड़ के, ये वाला टर्मिनल जो है G होता है, तो इसको छोड़ के हम बाकी सभी को ग्राउंड कर देंगे, तो हमारा 0 शो हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। और गाइज, ये है इसका सर्किट डायग्राम। 4 हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्लेस लगी है, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इनके ए सेगमेंट है सभी के वो आपस में कनेक्टेड है, सभी LEDs के, सभी 7 सेगमेंट डिस्प्लेस के। और ऐसे बी भी आपस में कनेक्टेड है, सी भी कनेक्टेड है, सारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपस में कनेक्टेड है। बस जो कॉमन एनोड पिन है वो सबकी अलग अलग है। जैसे कॉमन एनोड जो फर्स्ट डिस्प्ले है वो 5वीं नंबर से Arduino की 5वीं पिन से कनेक्टेड है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर कुछ D5 से कनेक्टेड होगी है। और ऐसे ही जो डिस्प्ले 2 है वो 4 से कनेक्टेड है, डिस्प्ले 3 से कनेक्टेड है, डिस्प्ले 4 2 से कनेक्टेड है, और ए सेगमेंट 12वीं पिन से कनेक्टेड है, बी 13वीं, सी 7। तो सभी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और जो 3 पुश बटन्स है वो हमने एनालॉग पिन का यूज़ किया है, बिकॉज डिजिटल पिन की कमी हो गई थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर एनालॉग्स आर सेकंड और मिनट को सेट और रिसेट करने के लिए लिया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इसको पुश करूँगा तो 9 10 11 12, तो मैं आपको उसकी अब वर्किंग बता देता हूँ। तो होता ही है, सपोज़ अगर मुझे 0000 शो, 4 0 शो कराने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो कॉमन एनोड पिन है 1 की, उस पर यानी कि 5 पिन पे मैं हाई लॉजिक दूंगा, तो मेरी ये डिस्प्ले एक्टिवेट हो जाएगी, और मैं जी को छोड़ के सभी पिन्स को ग्राउंड कर दूंगा, यानी ए से लेकर एफ तक मैं सभी पिन्स को ग्राउंड कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पर जी ग्राउंड नहीं होगा, जिसके इसके वजह से जी जलेगा नहीं और बाकी 0 हमें शो हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, कॉमन एनोड पिन 1 पे जो हाई लॉजिक दिया था उसे मैं लो करूँगा, फिर कॉमन एनोड 2 पे इसको लो करते ही ये डिस्प्ले बंद हो जाएगी, और कॉमन एनोड 2 पे मैं हाई लॉजिक दूंगा उसके बाद, और सभी पिन्स को ग्राउंड करूंगा जी को छोड़ के, फिर मेरा 0 छो जाएगा। फिर मैं कॉमन एनोड 2 पिन पे लो लॉजिक दूंगा, फिर इसको हाई करूंगा, फिर इस सभी पिन्स को ग्राउंड करूंगा, और ऐसे करके मेरी डिस्प्ले 1 जलेगी, फिर ये बंद होगी, फिर ये जलेगी, फिर ये बंद होगी, फिर ये जलेगी। और जो हमारी नॉर्मली डिजिटल क्लॉक होती है उन सभी LED को ड्राइव करने का अलग अलग ड्राइवर IC लगी है, बट हमने ये काम अपने प्रोग्राम से किया है। तो होता यह है कि डिस्प्ले 1 जलती है, फिर ये बंद होती है, फिर ये जलती है, फिर बंद होती है, फिर ये जलती है, फिर डिस्प्ले बंद होती है, ऐसे करके बहुत फास्ट होता है, क्योंकि Arduino की काफ़ी तेज़ स्पीड होती है, तो हमारी आई उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती कि ये एक एक करके जल रही है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमें ऐसा लग रहा है कि एक साथ जली हुई है, बट ऐसा नहीं हो रहा है, ये जल रही है, फिर ये जल रही है, फिर ये जल रही है, जल रही है। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैं आपको एक स्लो मोशन वीडियो में दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। सो गाइस, ये रहा हमारा प्रोग्राम।
और जो सबसे पहली लाइन आप देख रहे हैं ये हमारी जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उनको हमने वेरिएबल्स दिए है 12, 13, 7, 8, 9 ऐसे करके। और जो सेकंड वाली लाइन है ये हमारी जो कॉमन एनोड पिन है उनको हमने वेरिएबल्स दिए है डिस्प्ले 1 के लिए 5, डिस्प्ले 2 के लिए 4 ऐसे करके। और जो हमने 3 पुश बटन्स का यूज़ किया है उसमें उनको हमने एनालॉग पिन दिए एनालॉग 0, एनालॉग 1, एनालॉग 2। और चलते हैं अब नीचे को थोड़ा, और ये जो भी है ये सब हमारे वेरिएबल्स है जो हमारे मेन प्रोग्राम है उसमें ये वेरिएबल्स यूज़ होंगे तो मैं इनको डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे। और जो वॉइड सेटअप है इसके अंदर हम अपने आर्डिनो को ये बताते हैं कि हम कौन सी पिन से हम आउटपुट लेने वाले हैं, कौन सी पिन से इनपुट लेने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ABCD है 7 सेगमेंट डिस्प्ले तो ये आउटपुट के लिए यूज़ होंगी और ये जो बटन्स है वो इनपुट के लिए यूज़ होंगे। और जो वॉइड चेक नंबर ये आप फंक्शन देख रहे हैं ये हमारी डिस्प्ले को चेक करने के लिए, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं सीधा मेन प्रोग्राम में चलता हूँ वॉइड लूप से। तो यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है वॉइड लूप से। सबसे पहली लाइन जो देख रहे हैं आप ये मिलीज इफ़ मिलीज, तो ये जो मिलीज है ये इनबिल्ट फंक्शन होता है और ये मिली सेकेंड में काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। और जब ये कंडीशन है ये जब ट्रू होगी तो ए सेकेंड में हमारा प्लस 1 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कमेंट पर लिखा भी है टू काउंट सेकेंड्स। ये वाला जो लूप है इफ़ का ये हमारे पुश बटन के लिए है डिले टाइम के लिए, क्योंकि जब हम इसे प्रेस करते हैं तो वो कई बार हमारा प्रेस हो जाता है बटन पुश बटन, तो यहाँ पे कोई डीबाउंसिंग की प्रॉब्लम आती है। तो उससे बचने के लिए हमने ये वाला मिलीज फंक्शन लिया है, हमने 150 का डिले रखा है। तो ये भी हम डिले नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज अगर हम नॉर्मली यूज़ करेंगे डिले तो वो हमारा पूरा मेन प्रोग्राम को डिले कर देगा। तो हमने यहाँ पर को भी मिलीज फंक्शन का यूज़ किया है। जो इफ़ स्टेटमेंट है इफ़ ए सेकेंड इज़ इक्वल टू 60, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ए मिनट जो हमारा है वो प्लस 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसे ही जब मिनट 60 होंगे तो आर प्लस 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद की जो स्टेटमेंट है अगर मिनट 60 हो गए तो फिर मिनट को ज़ीरो करना है, ये एक रीसेट कमांड है। 24 के बाद ज़ीरो, 60 सेकेंड्स के बाद सेकेंड को ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। सो तो नॉर्मली है। और ये जो फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कैलकुलेट नंबर टू डिस्प्ले, यानी कि जो ऊपर से हमें आर मिलेगा ए आर और ए मिनट मिलेंगे। सपोज़ अगर 10 आर मिलता है हमें 10 डिस्प्ले कराना है तो ये जो फंक्शन है ये उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि 1 और 0 पे शो कराने के लिए इसे मतलब कैलकुलेट करके हमें देगा। और ये जो सीरियल डॉट प्रिंट लाइन है ये जो कमांड है ये आप स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, बिकॉज ये इसलिए होती है जैसे हमारा यहाँ पर सीरियल मॉनिटर रहता है उस पर शो कराने के लिए हमें ये चीज़ होती है। तो अगर आप इसे अब प्रोग्राम से हटा भी देंगे तो हमारे जो मेन प्रोग्राम है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो डिस्प्ले आर है ये डिस्प्ले आवर टेंस है, ये हमारा जो डिस्प्ले जो आर का टेंस प्लेस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमने 1 मिलीसेकंड का डिले रखा है। और अगर हम डिले नहीं रखेंगे तो हमें बिल्कुल 8888 ऐसा करके शो होगा, तो डिले रखना यहाँ पर ज़रूरी है। और यहाँ पर वैसे ही आर का वंस प्लेस और मिनट का टेंस प्लेस और डिस्प्ले मिनट का वंस प्लेस ये सब शो कराने के लिए। और ये जो इसके फंक्शंस है वो नीचे लिखे हुए हैं वो आप चेकआउट कर लेना। सो यहाँ पर को जो इफ़ वाला फंक्शन है ट्रिगर रिक्वेस्ट टू का, जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो आर हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसे ही जब हम एक बार दूसरा वाला बटन सेकेंड वाला प्रेस करेंगे तो सेकेंड हमारे ज़ीरो हो जाएंगे। और जो तीसरा बटन है वो हमारा मिनट के लिए, यानी जब हम इसे एक बार दबाएंगे तो मिनट भी हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर को हमारा मेन लूप ख़त्म हो जाएगा। और बाकी जितने भी नीचे ये कंपोनेंट्स है ये सब मेन लूप के एलिमेंट्स है उन्हें सपोर्ट करने के लिए। इसको तो आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम आपको डिस्क्रिप्शन पे सॉरी कमेंट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट पे हमें पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।